नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है, भारत में एक बार फिर फैल रहा है बर्ड फ्लू। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में अचानक बड़ी संख्या में पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर उचित कदम उठा रही हैं और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कई राज्यों से कौओं के मौत की खबरें आ रही थी, जिसका कारण बर्ड फ्लू बताया जा रहा था, लेकिन कोई निश्चित आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंग डैम इलाके में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की रहस्यमय मौत से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैरान हैं। इस वजह से हिमाचल के कांगड़ा प्रशासन ने इस सैंक्चुरी के आसपास सभी तरह की गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। प्रवासी पक्षियों के मौत के कारण का पता लगाने के लिए भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में सैंपल भेजे गए हैं। वन्य जीव अधिकारियों का कहना है कि मृत पक्षियों में 95% संख्या बार हेडेड गीस की है, जो साइबेरिया और मंगोलिया से आते हैं। पोंग डैम सेंचुरी में हर वर्ष करीब 1.5 से 2 लाख प्रवासी पक्षी आते हैं और लगभग 4 महीने यहीं रहते हैं। वही मध्य प्रदेश के कॉलेज परिसर में मृत पाए गए 100 से ज्यादा कौओं में से 2 की जांच में H5N8 वायरस की पुष्टि हुई है। इस वर्ष की शुरुआत में गुजरात के जूनागढ़ जिले के बांटवा गांव में बतख, टिटहरी, बगुला, मुर्गी सहित करीब 53 पक्षी मृत पाए गए थे। वहां बर्ड फ्लू की आशंका के चलते इनके शरीर की जांच की जा रही है, जिसके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते के अंदर 7 जिलों में 500 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां के वन, पशुपालन और चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट पर हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के अंतिम महीने में जापान के 13 प्रांतों में बर्ड फ्लू फैल गया था। इसके प्रसार को रोकने के लिए वहां अब तक लगभग 50 लाख मुर्गियों को मारा जा चुका है और उन इलाकों से चिकन और अंडे भेजने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। जापान के अलावा बर्ड फ्लू का प्रकोप ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम में भी सामने आ चुका है।